हेलो एवरीवन, मैं रुपेश और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन। 2-3 दिनों से ये क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका सहकारिता विभाग कौशल बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टोटल हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाएंगे। कितने क्वेश्चन? टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप व्यापम जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अपना टेस्ट देके जाइएगा कि आप कितने पानी पर और कितने दूर पर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है। ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्लास चल रही है आपका व्यापम जैसे परीक्षाओं का है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हौसल वाडरना व्यापम जैसे परीक्षाओं, यानी कि कंप्यूटर में टोटल 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हौसल वाडरना में, उसी प्रकार आपका सहकारिता विभाग देख सकते हैं, सहकारिता विभाग में आपका 15 नंबर का कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार हौसल वाडरना में आपका 50 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। टोटल हम देखेंगे कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, है ना। तो पहली बार आए तो चैनल को एक बार क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि साइबर लॉ में DOS का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। और मेरा देखिए जो आवाज़ है थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सर्दी की वजह से थोड़ा ना क्लियर नहीं है बेटा। फिर भी हम आप सभी के लिए क्लास लेकर आए हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको, है ना। तो साइबर लॉ में पूछा गया है, ऐसे में तो DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। लेकिन साइबर लॉ में पूछा गया है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन होगा। अगर आपको मालूम है आंसर तो डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करते हुए चलिएगा, अन्यथा आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। कंप्यूटर के निर्देश यानी कि कंप्यूटर कमांड को क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूट करता है, उसको क्या कहते हैं? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों कहते हैं। इसका आंसर आपका होगा सी। तीसरा क्वेश्चन है कि पैकमैन जो नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है किसके लिए बना था? तो ये आपका हो जाएगा खेल के लिए। ठीक है, आंसर डी। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से बिलोंग करता है, यानी कि जनरेशन से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका होगा चतुर्थ पीढ़ी, है ना। तो आप लोग बिल्कुल प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, या फिर इसका हम क्लास लेकर आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप प्रिंटर से क्वेश्चन करा दीजिएगा, सॉफ्टवेयर वगैरह से क्वेश्चन करा दीजिएगा। तो हम कल क्लास लेकर आएंगे उसके, जिसपे आपका पूरा कवर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर से, प्रिंटर से, एंटीवायरस से, है ना। तो वहाँ से मेमोरी वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, है ना, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम डेली क्लास लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको, यह वीडियो आपको खास तौर पर पसंद आता है तो डेली क्लास करते रहिए। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आप सहकारिता विभाग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी। वह मेमोरी यूनिट जो CPU को सीधा संपर्क में करता है कौन सा कहलाता है? आपका कहलाएगा ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, आंसर सी। कंप्यूटर के टोटल सामान्य ज्ञान के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक बार आप लोग तैयारी करके जाइएगा, या फिर वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा, स्किप मत करना बीच में, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके विगत वर्षों से प्रश्न पूछा गया है ना। तो विगत वर्षों से यह प्रश्न पूछा गया है, उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, कवर कर रहे हैं ना। तो आप लोग वीडियो को देख के जाइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करोगे, एक बार लाइक कर देना। बहुत दिनों के बाद क्लास लेकर आ रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास अभी 2-3 दिन के लिए भी स्टॉप कर दी गई है। ठीक है, जो लाइव क्लास है अभी 2-3 दिनों के लिए स्टॉप कर दी गई है। तो आप लोग लाइव क्लास की चिंता मत करें, कुछ दिन के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। जो संदेह प्रणाली का दुरुपयोग करता है आपका कहलाएगा इस फॉर्म। सेवन क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग यानी कि वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है तो ब्राउजर आएगा,
इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली यानी कि जो मीटिंग सिस्टम है आप, ये होगा टेल कंफोन, ठीक है, टेल कॉन्फ्रेंसिंग। हाल ही में मिटाए गए फाइल यानी कि रिसेंटली डिलीट फाइल जमा स्टोर होते हैं, रिसाइकिल बिन कहते हैं। एक कागजी प्रति हार्ड कॉपी बनता है किससे बनता है? हार्ड कॉपी लाइन प्रिंटर से, ए डॉट रे प्लाटर से। इसका आंसर डी होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? तो देखिए, आप सभी को पहले ही मैं आपको बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, तो एक बार देखते चलिएगा कि होता क्या है, फिर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही आप लोग बता दो। तो देखिए, यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, इसको ध्यान में रखिएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, तो एक बार देखते चलिएगा। पहला हम आपको बता देते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो इसमें आ जाएगा डॉट, डेजी, लाइन, डॉट डेजी लाइन, चैन प्रिंटर, डॉट हो गया, डेजी हो गया, लाइन हो गया, चैन प्रिंटर। इसमें क्या आएगा? लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये तीनों चीज है जो काफी इम्पैक्ट है। और लेजर प्रिंटर को क्या कहा जाता है? लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहा जाता है। याद रखना, जितने भी आपको टॉपिक करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, तो आप याद रखना, लेजर प्रिंटर, इंकजेट, थर्मल प्रिंटर। उसी प्रकार इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डॉट, डेजी, लाइन और चैन। इसमें एक और है, आप जोड़ लीजिएगा, करेक्टर प्रिंटर, ठीक है, करेक्टर प्रिंटर यह है। तो यहाँ पर देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर है पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? डॉट और ड्रम प्रिंटर, डॉट डेजी लाइन चैन और ड्रम प्रिंटर है ना, यहाँ पर आ जाएगा ड्रम प्रिंटर। तो ये टोटल आएगा, दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंकजेट जो प्रिंटर होता है आपका, वो आपका इसमें आएगा नॉन इम्पैक्ट। पेरिफेरल उपकरण जो होता है आप, प्रिंटर आएगा, पेरिफेरल जो है प्रिंटर होगा। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है डिजिटल और एनालॉग, दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं, ठीक है, दोनों क्या लगते हैं? एक जैसे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो आपका रहेगा सीपीयू यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग, यानी सीधा जो है आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज को समझ सकता है, तो आप समझ रहे होंगे मशीनी लैंग्वेज भाषा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अच्छी गुणवत्ता वाली है ना, ये देखिए जो आपकी अच्छी गुणवत्ता वाली है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बार आप कवर करके जाइएगा कि देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है, अच्छी गुणवत्ता वाली यानी कि चित्रा लेख का उत्पन्न कौन करता है? इसका आंसर होगा प्लाटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर से संबंधित आपको बताया था। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा इंसर्ट चार्ट, क्योंकि देखिए जो एमएस एक्सेल होता है आपका, इसमें हम चार्ट बनाएंगे, तो इसका आंसर होगा इंसर्ट वाला। यहाँ पर यह होगा आपका इंसर्ट चार्ट, ठीक है। लॉजिकल अनुक्रम यानी कि जो सीक्वेंस होता है डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। जीयूआई का यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट करने के लिए कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो यह आपका आएगा प्रमाणीकरण, ठीक है। क्या आएगा? प्रमाणीकरण, याद रखना, ठीक है, प्रमाणीकरण। एमएस एक्सेल पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल पावर पॉइंट में अधिकतम जैसे जूम करते हैं ना, देखिए यहाँ पर मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, ये पूरा छोटा हो गया, हम इसको यहाँ पर अब जूम कर रहे हैं, ये देखिए जूम हो गया, वही है। जैसे हम छोटा करेंगे और जूम करेंगे,
वो ये कितना पिक्सल है, जैसे कि 400%, मेरा भी कितना चल रहा है, 400% में अभी मेरा चल रहा है वीडियो, ठीक है। तो वही है अधिकतम जूम करने का जो होता है, जूम अधिकतम हम जूम कर सकते हैं 400% में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बाहरी आक्रमण, यानी कि ऑफसेट जो अटैक होता है नेटवर्क को बचाने के लिए, उसका जो तरीका होता है ना एंटीवायरस है। क्या होगा? एंटीवायरस। जैसे अगर आप लोगों को तबीयत खराब होता है ना, तो आप लोग कौन सी इंजेक्शन लगाते हो? एंटीवायरस मतलब एंटी एक्सेप्ट गोली वगैरह टेबलेट वगैरह खाते हो ना, वही है। उसी तरह इसका भी रहेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो आप सभी को मालूम होगा फोरटान है, ये वाला होगा ऑप्शन बी, है ना। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो कंप्यूटर का नाम इनाइक था। क्या था? इनाइक, याद रखना इनाइक है इसका नाम, ठीक है। और आप लोग बोल रहे थे कि सर गणित की क्लास लेकर आओ करके, तो गणित की क्लास आपका रहेगी आज से, आज रात 7:30 बजे, ठीक है। 7:30 बजे लगेगी गणित की क्लास, जो परसेंटेज वगैरह से और वेन डायग्राम से, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा और गणित से, दोनों मिक्सिंग रहेगा, ठीक है। ये डाटा जो इंफॉर्मेशन रहता है आपका नेटवर्किंग होगा, ठीक है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? मतलब जो इंफॉर्मेशन होता है, तो ये आपको प्रोटेस्टा डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो ये आपका हो जाएगा 1960, याद रखना जो महान क्रांति है आपका, है ना, महान क्रांति आपका होगा 1960 में, ओके। कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? या देखिए जो कंप्यूटर होता है उसमें हम कंप्यूटर डाटा को भेजते हैं, तो इसका जो कंप्रेसर रहता है वही आपका होगा जो पूरा क्लियर बताया जा रहा है ना। तो इसका हो जाएगा आपका कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? तो इसका जो होता है, एक मिनट ना, 27 का आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं इनपुट, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो बिना स्टाफ के नकदी लेन देन कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किससे परिवर्तित किया जा सकता है? किसको परिवर्तित किया जा सकता है? तो आप सभी को मालूम होगा किसको परिवर्तित किया जा सकता है, चलो बताओ। तो इनपुट, डेटा, नंबर, ये सभी कथन सत्य है। तो कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको इनपुट कहा जाता है ना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम कंप्यूटर जो है ना आपका सुपर कंप्यूटर होगा, कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन डी। मेरा थोड़ा सर्दी सर्दी टाइप का लग रहा है, फिर भी आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आए, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर यानी कि जो मॉडर्न है, इसकी खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1946। गणना संयंत्र एबेकस, एबेकस शब्द कहाँ से आविष्कार हुआ है? तो आप बताएंगे चीन से, ठीक है, चीन से प्राप्त हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो विकास किसने किया था? तो ये आप सभी को मालूम है, चार्ल्स बेबेज। रैम किस तरह का मेमोरी है? ये आपका हो जाएगा मुख्य मेमोरी, रैम आपका हो जाएगा मुख्य मेमोरी, इसको हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है, और इसको एक और मेमोरी कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए रैम किस तरह का मेमोरी है, तो वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब स्थाई मेमोरी, रैम क्या है? प्राथमिक मेमोरी को स्थाई मेमोरी, है ना। ये आपका देखिए
अस्थायी मेमोरी और स्थायी मेमोरी आप सभी को मालूम होगा। प्राथमिक मेमोरी किस तरह का मेमोरी? अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। सीपीयू के लिए समान है गणितीय परफॉर्म यानी कि कैलकुलेशन कौन करता है? तो रजिस्टर होगा समान है गणितीय परफॉर्म करेगा। मदरबोर्ड पर सीपीयू के दो पुर्जे किससे जुड़े होते हैं? सिस्टम बस से। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए? कोबोल जो कोबोल है याद रखना आपके एग्जाम में पूछा गया है। कोबोल आपका आएगा व्यावसायिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए यानी कि कार्य के लिए, काम काज के लिए, ठीक है। वैश्विक कंप्यूटर भाषा लैंग्वेज का विकास जॉन जी केमी ने किया है। पास्कल क्या है? पास्कल क्या है बेटा? पास्कल का है कंप्यूटर की भाषा है। क्या है? कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है, एक भाषा। किस प्रोग्राम में चित्र के रूप में प्रदर्शन कर सकते हैं? तो ये आपका आ जाएगा फ्लो चार्ट के रूप में। कौन सा सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है? तो आपका आ जाएगा फ्लैश। कौन सा पॉइंट ड्रॉ है? पॉइंट ड्रॉ जैसे कि आप माउस, माउस क्या है? पॉइंट ड्रॉ। पॉइंट ड्रॉ ठीक है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आप सभी को मालूम होगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जितने भी प्रिंटर से पूछे सब आउटपुट है ना। इनपुट में स्कैनर कीबोर्ड माउस होगा। स्कैनर कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बार कोड में कितने अक्षर होते हैं? 10 होते हैं। इस प्रकार होता है ना बार कोड। इस पर बार कोड छपा होता है, यही तो है आपका। 10 अक्षर होते हैं। दशमलव प्रणाली में बाइनरी अंक कितना होता है? तो इसका होगा 11001। 25 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं बाइनरी भाषा, ठीक है। डिजिटल कैमरा का प्रयोग होता है किसके लिए? फोटोडायोड। रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप कराने वाले डिवाइस को किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो आ जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया है किसका आएगा? किसका आएगा? ब्लेज पास्कल। क्या कोई नहीं, क्या होगा? डावट आइकन या जान मोकली, इसका आंसर ब्लेज पास्कल। सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप और उसी लोकेशन में क्या तैयार करते हैं? फोल्डर, शॉर्ट आइकन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी, शॉर्ट आइकन। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूनिक्स। इसका आंसर होगा यूनिक्स, ठीक है। इनमें से कौन सा एक्सेसरीज नहीं है? एक्सेसरीज नहीं है मतलब क्या आ जाएगा? पैन। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं? कंट्रोल और अर्थमेटिक दोनों। कौन सा एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? तो बीन जी पाएगा इसका आंसर। ग्राफिक इमेज कंप्यूटर की सहायता से इनपुट करते हैं, क्या है? ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर के सहायता से इनपुट करते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लॉपी। एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? मेन्यू बार होता है। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन विंडो है, उसमें जो टाइटल बार होता है ना उनके नीचे जो स्क्रॉल रहता है उसको हम क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनू बार। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 56 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का हमने
56 क्वेश्चन किए हैं, मतलब 50 से अधिक क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ऐसी और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या करो बेटा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ये 2-3 दिनों के बाद हम क्लास लेकर आ रहे हैं, 2 से 3 दिन के अंतर्गत हम क्लास लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों तक हमारी तबीयत खराब थी, है ना, तो हमने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो को लास्ट तक देख के डेली जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और सबसे पहली बात हम एक बार आप सभी को कहना चाहेंगे कि अभी सहकारिता विभाग अधिनियम का जो एग्जाम है आपका 15 अक्टूबर को होने वाला है, यानी कि पास आपके पास 14 से 15 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 14 से 15 दिन बचा हुआ है। तो अधिनियम से क्वेश्चन करेंगे आज से, ठीक है, शाम से करेंगे अधिनियम से क्वेश्चन, ओके।